अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WS इन्फोटेनमेंट। मेरा नाम है वकार, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ UAE की तरफ से कुछ न्यू अपडेट के साथ। वीडियो को आगाज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तकरीबन 90% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और 10% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ जो हकीकत पर मबनी वीडियो हो, सबूत के साथ वीडियो हो, वो आपके साथ शेयर करूँ। वो एक बंदा देखे, 10 देखें, उनका फ़ायदा होगा। जो नहीं देखेंगे डेफ़िनेटली उनका नुकसान होगा, क्योंकि एक फ्री में और ये एक खदमत खल्क है जिसमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसका भी अल्लाह पाक ने काफ़ी अजर रखा है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और साथ साथ रिक्वेस्ट है सर, वीडियो को पूरा देखा करें, आप स्किप करके देखते हैं फिर वही सवाल करते हैं जो हमने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया होता है, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्टर्ड अराइवल के बारे में और वैक्सीनेशन की अपडेट के बारे में। अब वो लोग जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर ली है और उन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन जो है पाकिस्तान या अपनी अपनी कंट्री से लगवाई है, या एक डोज़ UAE से लगवाया है या एक डोज़ पाकिस्तान से लगवाया है, कुछ भी हो, आप अभी जब रजिस्टर अराइवल पे रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद आपको एक ईमेल आती है, QR कोड रिसीव होता है। इसमें दो ऑप्शन, दो अपडेट हैं QR कोड के बारे में, जो कि रिसेंट अपडेट से पता चला है। जो रिसेंट एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो ये है कि जिन लोगों ने 20 अगस्त से पहले भी QR कोड लिया हुआ है वो भी सिस्टम के अंदर जनरेट हो चुका है, आपको उस बेस के ऊपर भी जो है ना अपडेट आ सकती है अल हुसन में। और जिन लोगों ने 20 अगस्त या 20 अगस्त के बाद अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, नए सिस्टम के हिसाब से वो भी काउंट होंगे। अब मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि वो लोग जो अपनी अपनी कंट्री से दोनों डोज या एक डोज ले चुके हैं, स्पेशली पाकिस्तानियों की बात करता हूं, आप जो दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं वो भी अपना अपना स्टेटस चेक करते रहें। सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर अराइवल कर लिया, उसके बाद 5 या 10 दिन वेट करना है। अब जो रिसेंट अपडेट, रिसेंट जो तजर्बा है उससे ये साबित हुआ है कि 5 से 10 दिन उन्होंने तकरीबन लिए हैं। जिस भाई ने ये अपडेट किया था रजिस्टर्ड ड्राइवर, उसने 14 अगस्त का किया था और उसको आज 22 अगस्त में आकर अपडेट हुआ है सिस्टम। विद प्रूफ आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उस भाई का, पाकिस्तानी वैक्सीनेशन दोनों डोज पाकिस्तान में लिए हैं, उसके बाद उसका UAE वैक्सीनेशन जो कि अल हुसन पर अपडेट हो चुका है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अपडेट हो चुका है? ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना अपना अल हुसन एप्लीकेशन प्लस ईमेल दोनों को साथ साथ अपडेट करते रहें, मतलब अल हुसन में चेक करते रहें और ईमेल भी रिफ्रेश करते रहें ताकि आपको आपकी लेटेस्ट जो ईमेल हैं वो ICA की तरफ जो आई हों, ICA की तरफ से जो आई हों पता चल सके। ठीक है जी, तो इस बेस पे वो लोग अपना अल हुसन साथ साथ चेक करते रहें और ईमेल भी आपको आ जाएगी, वी अप्रूव्ड योर रजिस्टर अराइवल। ठीक है जी, तो उसके बाद आप जिस अल हुसन में जाएंगे, अब ये सबूत कैसे मिलेगा कि भाई ये तो अल हुसन में आ गया डाटा, क्या इसने वहाँ से वैक्सीनेशन लगवाई है, अब यहाँ से लगवाई है, तो कैसे पता चलेगा? भाई आप जो दोनों मैंने इधर दे देता हूँ, अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाकिस्तान UAE, ठीक है, दोनों की जो वैक्सीनेशन डेट है वो चेक करें, पाकिस्तान वाली जो वैक्सीनेशन डेट है वही UAE में अपडेट हुई है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना, कुछ लोगों को अल हुसन एप्लीकेशन पर वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, तो जस्ट वो वेट करें ईमेल का और साथ साथ अल हुसन एप्लीकेशन भी देखते रहें। जैसे ये स्क्रीनशॉट आपको सामने नज़र आ रहा है, आप इसके मुताबिक कुछ लोगों को आ रहा होगा, लेकिन वो खुशकिस्मत है ना भाई, आपका एटलीस्ट डाटा अल हुसन में आ गया है, थोड़ा सा और वेट कर लें, आपका डाटा वो अपलोड कर रहे हैं और अपडेट कर देंगे और वेटिंग फॉर अप्रूवल लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो जैसे ही अप्रूव्ड होगा तो आपका सिस्टम में डाटा अल हुसन में अपडेट हो जाएगा। अब इस बेस पर उन लोगों ने परेशान नहीं होना जो लोग कहते हैं जी हमें एक ही ईमेल आई या दूसरी नहीं आई, आप जस्ट वेट करें, मैंने शुरू में कहा है 5 से 10 दिन लगेंगे,
ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं ना, एटलीस्ट सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, लोगों को ये जो दुश्वारी का सामना था, पाकिस्तान से वैक्सीनेशन लगाई है, अपनी कंट्री से वैक्सीनेशन लगाई है, एक डोज़ यूएई से लिया है, एक डोज़ पाकिस्तान या अपनी कंट्री से लिया है वगैरह वगैरह, इन सब झमेलों से बचें, इन सब क्वेश्चनों से बचें और वेट करें। अगर आपने क्यूआर कोड अप्लाई कर लिया है, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो मेरे से रब्ता करें, मैं उनके लिए अप्लाई करूँगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, 5 से 10 दिन लगेंगे, इन्होंने 5 दिन कहा है, 10 दिन तक ले सकते हैं, क्यों लेंगे यार, ये सिस्टम है इंसानों का बनाया हुआ है, परफेक्ट नहीं है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट काम शुरू हो चुका है। तो अभी मेरे दोस्त भाई सब परेशान ना हो और अपनी अपनी जो ईमेल और अलहसन एप्लीकेशन है उसको अपडेटेड रखें। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट की वीडियोस देते रहें।